साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको अंक बता रहा हूं, ये अंक आप अपने जूते चप्पल पर, पुराने जूते चप्पल पर यदि प्रयोग करते हैं तो शनि से संबंधित आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों कलयुग में अगर देखा जाए तो शनि और राहु, ये केतु, ये तीनों ग्रहों का प्रभाव सबसे ज्यादा है। और मेरे पास में जितने भी मेरे क्लाइंट्स के फोन आते हैं, अधिकतर मैंने देखा है, कहा जाए तो 90% लोगों की सारे बर्थ चार्ट में सिर्फ शनि राहु केतु की ही दशा जो होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी परेशानियों में जूझ रहा है, आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है, मनी चैलेंजेस फेस कर रहा है, संघर्ष लगा हुआ है, तो 90% लोगों की बर्थ चार्ट में अगर किसी ग्रह का प्रभाव दिखता है तो वो सिर्फ शनि राहु केतु। मतलब यही ग्रह ऐसे हैं कि जो इंसान को या तो टोटल बर्बाद कर दे या तो टोटल आबाद कर दे। लेकिन शनि जो है ये न्याय के देवता होते हैं। हम मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिना वजह आप लोगों को ऐसे ही कष्ट दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके कुछ फॉल्ट होंगे, जाने में अनजाने में पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्माज होंगे जिनके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे उपाय कर लेने से ये ग्रह का जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है ना। तो मैं आज आपको छोटा सा एक प्रयोग बताऊंगा अंकों का। ये प्रयोग यदि आप करते हैं तो आपके दोस्तों 70-90% तक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। पैसों की तंगी है वो खत्म हो जाएगी, बरकत नहीं है वो खत्म हो जाएगी, जो संघर्ष लगे हैं, शत्रु बीमारी और सभी कार्यों में मतलब की विफलता मिलना, प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, ऑप्टिकल्स आना, ये सब सारी समस्याएं आपकी दूर होने लगेंगी। दोस्तों अगर शनि को यदि मजबूत आपको करना है, ये जानकारी मैं पहले वीडियो में दे चुका हूं, लेकिन जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उनको भी बता दूं कि शनिदेव सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जो लेबर वर्क के लोग होते हैं, जो अंधे होते हैं, लूले लगड़े होते हैं, ऐसे लोगों को यदि आप सेवा करते हैं, ऐसे लोगों को आप भोजन कराते हैं या खाने पीने की वस्तु दान करते हैं या अपने फिर वस्त्र दान करते हैं, आप पुराने वस्त्र भी इनको दान कर सकते हैं, इनको दान करने से शनिदेव सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और यदि आप सफाई कर्मचारियों को यदि चाय पिलाते हैं, जितना हो सके दोस्तों सफाई कर्मचारियों को यदि आप चाय पिलाएंगे तो आपके शनि और राहु आप पर हमेशा मेहरबान रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों यदि आप 8 सिक्के जो चलन में हो हर शनिवार के दिन में, यानी कि शुक्रवार की रात्रि में, आप 8 सिक्के अपने ऊपर से 8 बार उबार के अपने तकिए के नीचे रखें। आजकल 1-2 सिक्के का कोई चलन नहीं है तो 5 के ले सकते हैं, 10 के ले सकते हैं। इन सिक्कों को तकिए के नीचे रखें, अपने ऊपर से 8 बार उबारें शुक्रवार की रात्रि, ठीक है, और रात में रखने के बाद में दूसरे दिन शनिवार के दिन में कोई ऐसा हो जो जरूरतमंद हो, मतलब कि जैसे लेबर वर्क के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, या कोई अंधा लंगड़ा लूला ऐसा कोई व्यक्ति है, इनको यदि आप दान करना शुरू करते हैं तो आपकी आमदनी 100 गुना नहीं 1000 गुना बढ़ जाएगी। आपके पास में जब पैसा आने लगे तो आप उस क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए, 8 की जगह 16 कर दीजिए, 16 सिक्के रखिए। लेकिन सिक्के ऐसे रखने जो चलन में हो, जो किसी व्यक्ति को आप दान करें तो उसका उपयोग कर सके। और यदि दोस्तों लेबर वर्ग के लोग जो खुले आसमान में रहते हैं, ऐसे लोगों को यदि आप बैंगन की सब्जी और साथ में पूरियां, ये यदि आप शनिवार के शनिवार दान करते हैं तो भी शनि आपके बहुत ज्यादा मेहरबान होते हैं, आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं, धन की बरकत करते हैं, नए नए आयाम खोलते हैं। और दोस्तों आप लोग यदि उपाय कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, काफी लोग कमेंट्स करते हैं कि सर हम तो काफी उपाय कर रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में कुछ ऐसा मिस्टेक हो, कुछ ग्रह अनबैलेंस हो। तो आप लोग यदि मुझे कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं या फिर आपके घर में कोई दोष हो तो वास्तु दोष दिखाना चाहते हैं तो कुछ खास टेक्निक है, कुछ खास थेरेपीज है जो कॉल के जरिए आपको वास्तु चेक किया जा सकता है। तो यदि आप लोग मुझे कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन में नहीं होगा तो आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। आप अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से या अपने वास्तु के हिसाब से कोई भी रेमेडी मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नंबर लेकर के और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए। और जैसे आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है तो मैं दोस्तों कॉल के जरिए कुछ खास थेरेपीज होती है, टेक्निक होती है, आपके घर का वास्तु भी चेक कर लूंगा और आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए जिससे आपको लाभ मिले, ठीक है। तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लें और आपकी पूरी डिटेल्स, बर्थ चार्ट की डिटेल्स,
और आपका कॉलिंग नंबर ये सब व्हाट्सअप कर दें, और जिस टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है तो उस टाइम पे मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर लूंगा और आपको आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से जो भी रेमेडी आपको करनी चाहिए वो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने करना क्या है, शनिवार के दिन में आपको मैं एक अंक बता रहा हूं, आपके जो पुराने जूते होंगे या फिर पुराने चप्पल होंगे आपको उस पर क्या करना है, एक अंक लिख देना है जो शनि का अंक होता है। 8 आपको लिखना है ब्लैक कलर से, ब्लैक मार्कर से या फिर काजल से, ठीक है। और दोनों जूते पे लिख दें लेफ्ट एंड राइट, और अपनी इंटेंशन क्लियर रखें कि मतलब आपकी जिंदगी में जो भी ऑप्टिकल्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, धन संबंधित, कर्ज संबंधित, बीमारी संबंधित, ये सारी परेशानियां आपकी जिंदगी से रिमूव हो रही हैं। क्योंकि पैरों के तलवों में और पैरों में शनि का और राहु का वास होता है, जबरदस्त प्रभाव होता है इनका पैरों पे, और पैरों के जूतों पर यदि ये प्रयोग आप करते हैं तो आप देखेंगे दोस्तों कि आपकी सिर्फ आप तीन शनिवार से आठ शनिवार इस प्रयोग को करिए, 3 शनिवार में इसका रिजल्ट आपको साफ साफ दिखाई देने लगेगा। और इसमें आप चाहे तो पैरों के तलवे, ये जो होते हैं पैरों के तलवे, यहां पर दोनों पैरों में 8 लिख दें, और ये जूते आप जो चप्पल जो अंक लिखेंगे 8 का, तो आपको सुबह में लिखना है और कोशिश करें कि इनको रगड़ें, मतलब इनको पहन के जितना हो सके चले, और संध्या समय सूरज ढलने के बाद इसको चौरस्ते में छोड़ करके आ जाए। चौरस्ता नहीं है, तिरस्ते में छोड़ सकते हैं, तिरस्ता मतलब आपको ऐसी जगह चौरस्ते में अगर छोड़ेंगे तो सबसे बेस्ट है, कहीं दूर जाना पड़े तो कहीं दूर जा करके कहीं चौरस्ता वगैरह देख लें, तिरस्ता देख लें, तिराहा देख लें। आप लोगों ने देखा होगा कि काफी जगह ऐसा होता है कि चौरस्ते में आपको जूते रखे हुए मिलेंगे, तो काफी जिनको ये जानकारी होती है तो वो क्या करते हैं, जूते चप्पल अपने चौराहे में छोड़ देते हैं। जितने लोगों की नजर उस पर पड़ती है आपके दुख दारिद्र कर्जा बीमारी शत्रु सबका नाश होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये प्रयोग आप जूते चप्पल पे करें, शनिवार के दिन में करें, और जब एक जूते चप्पल में कर लिया तो अगले शनिवार में करेंगे तो पैरों के तलवों पे 8 लिख दें, दोनों पैरों पे लिख दें, और जितना इनको आप चलेंगे, जितना ये नंबर घिसेगा उतनी आपकी शनि की पनौती जो है, राहु की अगर कोई दशा है तो ये आपकी घिस घिस करके खत्म होना शुरू हो जाएगी। पॉजिटिविटी के साथ में और विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करके देखिए। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मतलब ये तो आप एक प्रयोग कर रहे हैं कि शनि की दशा शांत हो, है ना, मतलब कि जो प्रभाव है उनके दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं ये कम हो, इसके लिए कर रहे हैं, लेकिन उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि विशेष रूप से कृपा प्राप्त हो, मतलब जिंदगी में एक सक्सेस मिले, तो उसके लिए आप क्या करें, लेबर वर्ग के लोगों को और गरीब लोगों की सेवा करें। जो सिक्कों वाला जो उपाय बताया है ये उपाय आप जरूर करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, तो उनके लिए जो लास्ट की पॉजिटिव अफर्मेशन जो मैं बताता हूं आप लोगों को, ये दोस्तों 41 डेज में यदि अपनी जिंदगी को चमत्कारिक रूप से बदलना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ परिवर्तन चाहते हैं, तो 2 मिनट अपने आप को आप सुबह में जरूर दें, 2 मिनट आकाश में देखकर के अफर्मेशन यदि आप बोलना शुरू करते हैं तो जिंदगी में चमत्कार पे चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। पूरी भावनाओं के साथ में, फीलिंग्स के साथ में आपको क्या करना है, जब सुबह जब सोकर के उठते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस समय एक्टिव होता है, 10 मिनट के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, तो उस समय आपको क्या करना है, आकाश की तरफ हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ जोड़ करके पूरी भावनाओं के साथ में आपको सिर्फ इतना बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मेरे साथ में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, और जो भी हुआ था अच्छे के लिए हुआ था, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ संतान हूं, मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है, चारों तरफ से पैसा आ रहा है, मैं बहुत धनवान हूं, और जो कुछ आपके पास में ऑलरेडी पहले से है उस चीज को लेकर ग्रेटफुल हो जाइए, मतलब छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज के लिए, घर है आपके पास में, बिस्तर है आपके पास में, रोटी है, कपड़ा है, जो भी चीज है, हर चीज के लिए आभार व्यक्त करना शुरू कर दीजिए। 41 डेज में आपको जरा सी भी शिकायत नहीं करनी है, सिर्फ आभार व्यक्त करना है, जितना आप धन्यवाद करेंगे, जितना आप आभार व्यक्त करेंगे, जितना आप ग्रेटफुल रहेंगे, उतनी पॉजिटिव थिंग्स आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। जो भी आप डिजर्व करते हैं, जो आपकी डिजायर है, ड्रीम हाउस है, ड्रीम कार है, ड्रीम जॉब है, जो भी है सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन बस आपको आभार व्यक्त करना है। 41 डेज में आपको इस चीज की हैबिट पड़ जाएगी, फीलिंग्स ऑटोमेटिक आने लगेगी, और जैसे आप पॉजिटिव होंगे वैसी प्रकृति सारी अनुकूलताएं आपको लाकर देने लगेगी। बस आपको अंदर की महानता को प्रकट करना है कि परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, और लोगों की लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर करके देखिए कि जो आपके पास में है और लोगों के पास में वो भी नहीं है, तो जो आपके पास में ऑलरेडी है उसको लेकर के आपको आभार व्यक्त करना है। 41 डेज तक कंटिन्यू आप करिए इसको, उसके बाद में बस चमत्कार देखिए, लाइफ चेंजिंग मिरेकल हो जाएंगे आपकी लाइफ में, आप खुद कहेंगे कि हाँ कितना परिवर्तन आ गया लाइफ में। मैं वीडियो के लास्ट में हमेशा अफर्मेशन देता हूं ताकि हर व्यक्ति तक जो मेरे से जुड़ रहा है वो हमेशा पॉजिटिव रहे। तो
आज के लिए इतनी दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।